जैन बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमको जड़त्व जानना ज़रूरी है, जड़त्व यानी कि इनर्सिया। तो जड़त्व क्या है, आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। प्रत्येक वस्तु इस पूरे ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हम आपको बता दें कि वस्तुओं की दो ही अवस्था होती है, एक विराम अवस्था होती है और दूसरी गति अवस्था होती है। तो विराम अवस्था के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ न बदले तो हम कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है, और अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ बदलती जाए तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति अवस्था में है। तो अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें जड़त्व क्या है। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का यही गुण जड़त्व कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो आप गति अवस्था में हैं, और अचानक कोई व्यक्ति चाहे कि आपकी साइकिल को पकड़ करके, या अगर मान लीजिए आप अचानक ब्रेक ही लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी साइकिल तुरंत नहीं रुकती है, आप साइकिल के अवस्था में अचानक परिवर्तन करते हैं। लेकिन वह साइकिल क्या करती है, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है और विरोध करके कुछ दूर तक आगे बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आप बहुत तेज बाइक चला रहे हैं और अचानक ब्रेक लगा दें तो उस स्थिति में देखते हैं गाड़ी अपने ही जगह पे घूम जाती है, और अगर अगला ब्रेक लगा दें तो पिछला चक्का सीधे खड़ा हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप जो है जड़त्व का मतलब यही हुआ कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। अगर हम जड़त्व का कुछ उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं, अब बस अचानक चल दिया, तो बस अचानक चल देता है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जब बस खड़ी होती है और तो बस विरामावस्था में होती है, और आप भी बस में बैठे होते हैं, आप भी विरामावस्था में होते हैं, लेकिन जब बस अचानक चल देता है ना, तो आपके शरीर का वह भाग जो बस के फर्श के संपर्क में होता है, वह बस के साथ साथ तो गतिशील हो जाता है, लेकिन आपके शरीर का जो ऊपर वाली बॉडी है वो विरामावस्था में ही रह जाती है, जिसके कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। तो ऐसा जो है यह जड़त्व के कारण ही होता है। और यही नहीं, आप देखते हैं जैसे मान लीजिए कोई कंबल वगैरह है, कंबल वगैरह ज़्यादा दिन तक रख दिया जाता है तो उसमें धूल जम जाता है, और फिर जब आप उसको डंडा से पीटते हैं तो डंडा से पीटने के बाद उसमें से धूल निकलने लगता है। यानी अगर कंबल को डंडे से पीटा जाए तो उसमें से धूल के कण बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो भाई कंबल विरामावस्था में है और उसके साथ साथ धूल भी विरामावस्था में है, लेकिन जब छड़ी से पीटते हैं ना, तो जिस स्थान पर पीटते हैं कंबल का वह स्थान गति अवस्था में आ जाता है और फिर धूल विरामावस्था में ही रह जाता है। तो यही जड़त्व है, जड़त्व के कारण धूल के जो कण होते हैं वो कंबल से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर पेड़ की जो डाल है अगर पकड़ करके हम हिला दें तो उस पर लगे हुए जो फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, तो जब पेड़ की डाली को हम पकड़ करके हिलाते हैं ना,
तो डाली आ जाती है गति अवस्था में, लेकिन फल पहले भी विराम अवस्था में था और फिर बाद में भी विराम अवस्था में रह जाता है। इस वजह से वो डाली से टूट जाता है फल, यानी जड़त्व के कारण वो फल जो है डाली से टूट जाता है और डाली से टूटने के बाद वो गिर जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए शीशे की खिड़की है और शीशे की खिड़की पर अगर गोली मारा जाए ना, तो खिड़की में एक छोटा सा सुराख बन जाता है, यानी गोली की जितनी साइज होती है उतने ही साइज का उस शीशे की खिड़की में सुराख बन जाता है। लेकिन अगर उसी खिड़की पर पत्थर से मार दिया जाए तो पूरी खिड़की जो होती है वो टूट जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो देखें, जब शीशे के खिड़की पर जब बंदूक से गोली चलाई जाती है ना, तो गोली का वेग बहुत ही अधिक होता है और गोली का वेग बहुत अधिक होने के वजह से खिड़की के जिस भाग से गोली टकराती है उतना भाग गोली के साथ ही गतिशील हो जाता है, और गोली के साथ गतिशील हो जाता है तो गोली के साथ खिड़की का उतना भाग का शीशा निकल के बाहर चला जाता है। लेकिन जब पत्थर चलाते हैं ना, तो पत्थर का आकार बड़ा होता है और पत्थर की वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए यह पत्थर जा करके जब खिड़की से टकराता है तो खिड़की से टकराने के बाद खिड़की के संपूर्ण भाग को गतिशील कर देता है, और खिड़की के संपूर्ण भाग को गतिशील करने से पूरी की पूरी खिड़की जो होती है वो चटक जाती है। तो ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है। जड़त्व का अगर कुछ और हम उदाहरण देखें, तो जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, बस में आप बैठे हैं खूब आराम से और बस खूब तेज चल रही है और अचानक ब्रेक लग जाए, तो अचानक ब्रेक लग जाता है तो कुछ लोग तो अगर गाड़ी में खड़े हैं और हाथ से डंडे को पकड़े नहीं हैं तो सीधे आगे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन अगर सीट पे बैठे हुए हैं और अचानक ब्रेक लग जाता है तो लोग जो है आगे वाली सीट पे जा कर के टकरा जाते हैं। तो ऐसा जड़त्व के कारण ही होता है कि अगर बस गतिशील है और उस बस में आप बैठे हैं तो आपके शरीर का जो निचला हिस्सा है, या कह लीजिए पूरी बॉडी आपकी गतिशील है, लेकिन जब अचानक ब्रेक लगता है ना, तो पैर या कह लीजिए कि शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में होता है वह बस के साथ ही विरामावस्था में हुआ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपर वाला जो भाग है वो विरामावस्था में नहीं आता, वो विरामावस्था में नहीं आ पाता है, वो गति अवस्था में होता है, जिसके कारण वो अगले सीट से जा करके टकरा जाता है। तो ये जड़त्व का ही उदाहरण है। और यही नहीं, अगर गाड़ी चल रही है और चलती गाड़ी से अचानक रुक जाए, एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि अगर चलती गाड़ी से उतरना है तो गाड़ी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में आपको कूदना चाहिए, उसी दिशा में उतरना चाहिए, विपरीत दिशा में उल्टेंगे उतरेंगे तो उलट जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर चलती गाड़ी से आप बहुत तेज़ी, अगर गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा है और उस पर से कूदेंगे तो कूदने के बाद आप गिर जाएंगे, उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण ये होता है कि अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी गतिशील है और गाड़ी के साथ साथ आपका शरीर भी गतिशील है, और जब आप कूदते हैं तो कूदने के बाद आपका पैर जमीन के संपर्क में आ जाता है, और जमीन के संपर्क में आते ही आपका पैर विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग जो है वो गति अवस्था में ही रहता है, जिसके वजह से जाके गिर जाते हैं। अब इससे बचने के लिए कुछ लोग कूदते हैं और कूदने के बाद कुछ दूरी तक दौड़ के चले जाते हैं, तो इससे ये होता है कि शरीर पहले भी गति अवस्था में थी और कूदने के बाद भी गति अवस्था में रही, जिसके वजह से दुर्घटना का चांस बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए ट्रेन में आप बैठे हैं और ट्रेन में बैठ करके और कोई गेंद ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं और बैठ करके आप गेंद उछाल रहे हैं,
तो आप देखते हैं कि गेंद उछालने के बाद गेंद आकर फिर आपके हाथ में ही गिरती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप ट्रेन में गति कर रहे होते हैं तो गति करने के साथ साथ जब बाल जो आप अपने हाथ में उछाल रहे होते हैं वह बाल भी उसके साथ ही गति करती रहती है। तो जड़त्व के कारण आप गति अवस्था में हैं, गाड़ी गति अवस्था में है तो गेंद भी गति अवस्था में होती है। जिस स्पीड से आप गति कर रहे होते हैं गेंद भी उसी स्पीड से गति कर रही होती है। यही कारण है कि जब गेंद को उछालते हैं तो गेंद पुनः आकर के अपने हाथ में ही गिरती है। इसी के साथ साथ अगर दिशा में परिवर्तन होता है तो भी आप जड़त्व देखते हैं। कभी कभी अगर आप चरखी पे चढ़े होंगे जो राउंड करती रहती है तो उसमें अगर चरखी बहुत तेज चलने लगती है तो जब किनारे रहते हैं तो लगता है कि उसमें से फेंका जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ये भी जड़त्व के कारण ही होता है। इसलिए लोग बहुत ज़बरदस्ती उसको जबरदस्त पकड़े रहते हैं ताकि बाहर के तरफ न फेंका जाए। तो अगर बस मान लीजिए बाएं तरफ मुड़ा तो आपका शरीर जो होता है उसके विपरीत दिशा में चला जाता है। तो ये जड़त्व के कारण ही होता है। तो ये जड़त्व रहा और जड़त्व से संबंधित कुछ उदाहरण हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि द्रव्यमान क्या होता है। ये तो जड़त्व रहा, अब हम लोग ज़रा द्रव्यमान को समझें। द्रव्यमान यानी मास। तो द्रव्यमान क्या होता है? देखें, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। यानी किसी वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होता है ना, उसके अंदर उतना ही अधिक जड़त्व होता है। अगर द्रव्यमान कम होता है तो उसके अंदर जड़त्व कम होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कुछ हम लोगों को देखनी हैं। अब इसके बाद हम लोग संवेग के बारे में पढ़ें, यानी मोमेंटम के बारे में पढ़ें कि ये मोमेंटम क्या है, संवेग क्या है, संवेग के बारे में पढ़ा जाए। तो अब ज़रा आप ध्यानपूर्वक देखें, अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गति कर रही हो तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है यही संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल भी संवेग कहलाता है। द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है। तो सदिश राशि के ऊपर हम तीर लगा देंगे और संवेग, ये रेखी संवेग है, रेखी संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। तो यह अदिश राशि है और यह सदिश राशि है। जब अदिश राशि का सदिश राशि में गुणा करते हैं ना, तो जो राशि हमको प्राप्त होती है वो सदिश राशि होती है। यानी संवेग जो होता है ये सदिश राशि होती है, ये हमको ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम लोग संवेग का मात्रक निकालना चाहें तो देखें संवेग का मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भी वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर और सेकंड को ऊपर लेके चले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब तो ये जो संवेग था, अगर हम संवेग की विमा निकालना चाहें तो संवेग की विमा यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम होती है, भी वेग है, वेग की विमा एल टी इनवर्स होती है। तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स। यानी इस तरह से संवेग की जो विमा है वो हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। तो यहाँ आपने ये छोटी छोटी परिभाषाओं को देखा। अब इसके बाद हम लोगों को न्यूटन के गति विषयक नियम, जैसा कि चैप्टर का नाम है, गति के नियमों को हम लोगों को पढ़ना है। तो गति का नियम है क्या, इसको ज़रा देखा जाए। तो देखें, एक चीज़ हम आपको बता दें कि न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द प्रिंसिपिया। द प्रिंसिपिया न्यूटन के द्वारा
लिखी गई ये पुस्तक थी द प्रिंसिपिया। तो इस पुस्तक में न्यूटन ने गति विषयक नियमों का उल्लेख किया। और एक बात मैं बता दूं, ये गति विषयक नियम उनके अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया था, इसका कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। तो चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन के गति विषयक नियम तीन नियम हैं। तीन नियमों में सबसे पहले हम आपको प्रथम नियम बताने जा रहे हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो अब हम लोग देखें कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है, इसको आप देखें। तो प्रथम नियम ये है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो जब साइकिल चलाते चलाते आप पैडल मारना छोड़ देते हैं तो भी साइकिल धीरे धीरे बहुत दूरी तक आगे चली जाती है, क्योंकि साइकिल गति अवस्था में थी और वो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। वो साइकिल कब रुकती है? जब साइकिल के टायर और सड़क के बीच घर्षण बल लगने लगता है। अगर वो घर्षण बल नहीं लगता तो वह साइकिल बहुत दूर तक चली जाती। देखते हैं कि चिकना फर्श होता है और चिकने फर्श पर अगर आप गोली को गिरा दें, शीशे की गोली को गिरा दें, कांच की गोली को गिरा दें, तो वह गोली बहुत दूर तक जाती है। तो यही गति का प्रथम नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो गति का जो प्रथम नियम है ना, इस प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग गति के द्वितीय नियम को देखें। तो गति का द्वितीय नियम क्या है इसको देखा जाए। हम द्वितीय नियम को अब बताने जा रहे हैं, सेकंड लॉ को हम बताने जा रहे हैं, द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम जरा ध्यानपूर्वक देखा जाए। तो द्वितीय नियम ये है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन का दर उस पिंड पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है जिस दिशा में बल कार्य कर रहा होता है। तो ये है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, लेकिन इसको हम लोग जरा सिद्ध करके देखेंगे। यानी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम ये कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, अगर संवेग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा पी हो और दर, दर का मतलब समय से भाग दे दिया जाए, तो ये संवेग परिवर्तन का दर है। और संवेग परिवर्तन का जो दर होता है यह बल के बराबर होता है, यही गति विषयक द्वितीय नियम है। अब इसको हम लोग जरा सिद्ध करें और सिद्ध करके देखें, फिर देखें। अब अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हम निकालते हैं, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, या इसको दूसरे रूप में भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, F is directly proportional to delta P by delta T। जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुटता है, ये हो जाएगा F is equal to K और ये हो जाएगा delta P upon delta T। अब हम लोग अगर इसका सत्यापन करें तो देखें इसका सत्यापन कैसे होगा। इसके लिए हम लोग इसका अवकलन निकालते हैं। अवकलन आप लोग जब आगे पढ़ेंगे मैथ में तो लास्ट में अवकलन आपको पढ़ना है। तो देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F is equal to K
और डेल्टा को हम डी भी लिख सकते हैं। देखिए डेल्टा का मतलब अंतर होता है, अंतर को डिफरेंस कहते हैं और डिफरेंस को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पर अगर अवकलन लें तो देखें, अवकलन लेकर के यानी हम डी पी अपॉन डी टी की पहले वैल्यू निकालें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें, आपको पता है कि P इज इक्वल टू होता है m इंटू v, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर हम यहाँ पर अवकलन लें तो एक चीज़ हम आपको बता दें, द्रव्यमान जो है ये स्थिर होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो जो चीज़ स्थिर होता है उसका अवकलन नहीं निकालते हैं, और जो राशि जो है वेरिएबल होती है, जो राशि चेंजेबल होती है उसका हम अवकलन निकालते हैं। तो चलिए हम अवकलन निकाल रहे हैं, तो ये डी पी अपान डी टी हो जाएगा। यम द्रव्यमान है और भी वेग है, वेग का अवकलन निकाल दीजिए तो डी पी अपान डी टी हो जाएगा। अब देखिए ये डी पी अपान डी टी, डी पी क्या है, यह संवेग में होने वाला परिवर्तन है, और डी टी यानी समय से भाग, तो इसको हम कहेंगे संवेग परिवर्तन का दर। यह संवेग परिवर्तन का दर है और ये बराबर हो गया यम। और देखिए डी वी क्या है, वेग में होने वाला परिवर्तन, और डी टी समय है, समय को ही दर कहते हैं। तो डी वी अपान डी टी वेग परिवर्तन की दर है, और वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ये आपको पता है। तो डी वी अपान डी टी के जगह पे हम ए कर देंगे तो ये हो गया आपका यम इंटू ए। लेकिन आपको ये भी पता है कि यह बराबर होता है यम इंटू ए, तो अब जो है यम इंटू ए के जगह पे हम यफ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी। यम इंटू ए के जगह पे यफ कर देंगे तो इसको हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये कांस्टेंट के है, कांस्टेंट के की वैल्यू 1 आती है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा ये डी पी अपॉन डी टी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गति का द्वितीय नियम यही है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। और यहाँ देखिए हमने सिद्ध करके आपको बता भी दिया कि संवेग परिवर्तन का जो दर होता है वो बल के बराबर होता है। अब इसके बाद हम आपको आवेग के बारे में बता दें कि आवेग क्या होता है। आवेग यानी इम्पल्स, तो ये जो है आवेग क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, आवेग को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ज़रा देखिएगा, अगर किसी पिंड पर लगने वाला बल यफ है और यह बल यफ अगर अल्पांश समय के लिए लगाया गया हो, थोड़े समय के लिए लगाया गया हो, तो देखिए ये होता क्या है। तो आवेग आई है, और अगर किसी वस्तु पर यफ न्यूटन का बल अल्पांश समय यानी डेल्टा टी समय के लिए लगाया गया हो, तो बल और समय का जो गुणनफल होता है यह गुणनफल ही आवेग कहलाता है, यानी आई इजकल टू होता है यफ इंटू डेल्टा टी। अगर आपसे आवेग की गणना करने के लिए कहेगा तो बल में समयांतर का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आवेग। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यफ तो बल है, अब बल का मात्रक न्यूटन होता है, और डेल्टा टी समय है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। यह न्यूटन सेकंड एस आई पद्धति में आवेग का मात्रक है।
अगर हम लोग MKF से पद्धति में निकालना चाहें तो देखें, न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो न्यूटन के जगह पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देंगे और ये यश के जगह पर सेकंड होगा, तो फिर यहाँ से यश से ये एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इस सेकंड को ऊपर लेके चले जाए तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। यहाँ देखें, यहाँ संवेग का हम लोगों ने मात्रक निकाला था, तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और आवेग का मात्रक भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेग और संवेग दोनों समान राशियां हैं। और यहां से देखें तो आवेग भी सदिश राशि है। अब हमको, हम यहां से इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में लिखना चाहें तो उसको भी देख लें। ये I इज इक्वल टू ये F, F बराबर होता है M इंटू A, तो ये हो जाएगा M इंटू A और फिर ये है डेल्टा T। अब देखें, ये है I इज इक्वल टू M और A क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का प्रारंभ में वेग u हो और t समय के बाद या डेल्टा t समय के बाद उसका वेग v हो जाए, u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है और डेल्टा t समय बाद उसका वेग डेल्टा v हो गया है, तो a बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी v माइनस u अपॉन डेल्टा t। तो अब अगर हम चाहें तो a का मान यहाँ रख सकते हैं और a के जगह पे यहाँ हम रख देंगे तो v माइनस यू अपान हो जाएगा डेल्टा t, और देखिए डेल्टा t पहले से मौजूद है, तो अब डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे इसको लिख लेते हैं I इज इक्वल टू m और ये हो जाएगा v माइनस यू। m का अगर हम गुणा कर दें इसमें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। तो अब देखिए, ये I जो है आवेग है और यम भी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है, तो ये भी संवेग है, ये भी संवेग है, तो यम भी जो है बाद का संवेग है, आई एम यू पहले का संवेग है, क्यों, यू प्रारंभिक वेग है तो संवेग जो होगा प्रारंभिक होगा, भी अंतिम वेग है तो जो संवेग होगा वो अंतिम संवेग होगा। तो I इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर अंतिम संवेग को P2 से प्रदर्शित करें और प्रारंभिक संवेग को P1 से प्रदर्शित करें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P। डेल्टा पी पी संवेग होता है, तो डेल्टा पी क्या है, संवेग का परिवर्तन है और ये आवेग है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आवेग ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का भी यूज करेंगे। अब इसके बाद जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, तो अब तृतीय नियम क्या है इसको देखा जाए। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, तो तृतीय नियम को हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी क्रिया होती है तो उसके विपरीत दिशा में आप प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बंदूक से गोली छोड़ें तो गोली जैसे ही आगे निकलती है बंदूक पीछे की तरफ धक्का देती है। इसी तरह से तोप है, अब तोप से अगर गोला छूटता है भाई, बंदूक से गोली छूटती है और तोप बड़ा होता है तो उसे गोला छूटता है,
तो जब गोला छूटता है तो जैसे गोला बाहर निकलता है तो पीछे की तरफ झटका देती है। यही नहीं, आप देखे होंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का अनुप्रयोग यहाँ भी होता है। जैसे मान लीजिए आप नाव से उतर रहे हैं और नाव से जब आप उतरते हैं, जब आप कूदते हैं तो कूदने के लिए नाविक से आप कह देते हैं कि नाव को रोके रहिए, तो वो नाव को लट्ठा लगा करके या डंडा लगा करके नाव को रोका रहता है और उस समय आप कूदते हैं। तो जब उस समय आप कूदते हैं तो आप बड़ी आसानी से कूद लेते हैं, और कभी कभी पता चलता है कि नाव को वो रोका नहीं है और आप कूद गए। तो जैसे ही कूदते हैं नाव पीछे हट जाती है और आप किनारे ना करके पानी में चपाक से कूद जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम यही है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और इसके बाद आता है संवेग संरक्षण का नियम। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या है इसके बारे में भी हम लोग देखें, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो संवेग संरक्षण का नियम ये है कि अगर मान लीजिए दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि अनोन्य क्रिया करने पर, अनोन्य क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो गेंद हैं, एक गेंद रुकी हुई है और दूसरे गेंद से जब उसको मारते हैं तो अब गेंद की जो एनर्जी, जिस गेंद से आप मारते हैं उस गेंद की एनर्जी चली जाती है, उस गेंद में जो गेंद स्थिर अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार होता ये है कि जिस गेंद से आप मारे होते हैं उस गेंद का संवेग और जिस गेंद को मारे होते हैं उसका संवेग, दोनों का संवेग आपस में बराबर हो जाता है। यानी संवेग संरक्षण के नियम को हम ऐसे कह सकते हैं कि अनोन्य क्रिया का मतलब दो वस्तुओं के बीच होने वाली जो क्रिया होती है उसी को हम अनोन्य क्रिया कहते हैं। तो अनोन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग जो होता है वह संरक्षित होता है। अब जैसे मान लीजिए बंदूक है, तो अगर बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M है और उससे गोली निकलेगी, तो गोली का द्रव्यमान स्मॉल M है। तो अगर गोली स्मॉल भी वेग से बाहर निकल रही है तो आपको पता है कि बंदूक भी पीछे की तरफ हटेगी, तो बंदूक के पीछे के तरफ हटने का वेग भी है। तो ये है बंदूक का संवेग और ये है गोली का संवेग। तो संवेग संरक्षण का नियम यही बताता है कि बंदूक का संवेग और गोली का संवेग दोनों आपस में बराबर होता है। यही नहीं, अगर हम यह देखें कि दो वस्तुएं हैं, सपोज कीजिए एक M1 द्रव्यमान की वस्तु है या M1 द्रव्यमान की गेंद है जो U1 वेग से गति कर रही है, और दूसरा M2 द्रव्यमान की गेंद है जो U2 वेग से गति कर रही है, और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद अगर पहले गेंद का वेग V1 हो जाता है और दूसरे गेंद का वेग V2 हो जाता है, तो टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, ये दोनों संवेग आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अगर पहली गेंद का संवेग निकाले तो M1 × U1 हो जाएगा, और दूसरी गेंद का निकाले तो ये M2 × U2 हो जाएगा। तो ये टकराने के पहले का कुल संवेग था, अब टकराने के बाद का कुल संवेग निकालें तो M1 का वेग V1 हो जाता है और M2 का जो वेग है वो V2 हो जाता है। तो इस सूत्र का भी प्रयोग होगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इस सूत्र का भी प्रयोग होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये टकराने के पहले का संवेग है, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये टकराने के बाद का संवेग है।
तो टकराने के पहले का जो संवेग होता है वो टकराने के बाद के संवेग के बराबर होता है। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने ढेर सारी परिभाषाएं और ढेर सारे सूत्र को भी देखा। अब शेष जो चीज़ें हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद इसके हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे तो ये चैप्टर जो है आपका पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा, यानी पांचवा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज जो हम आपको बताए हैं ये लगभग 70% इस चैप्टर का 70% पार्ट हम आपको बता दिए हैं। अब जो बचा है 30% पार्ट जब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे और इसके बाद एक या दो वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी हम आपको बता देंगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 जो है यह कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।